हाँ तो तोरा ले जो तोरे रखेगा दमाद बीवी को ला नहीं सकता है, सास को बोल रहा है घर ले जाएगी, बताइए उसको शर्माना चाहिए। अभी तक आपने कई हाई वोल्टेज ड्रामा देखा होगा, सुना होगा, जिसमें पति पत्नी प्रेमिका की जोड़ी रहती है। लेकिन आज भागलपुर के कहचारी चौक पर एक अजीबोगरीब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जिसमें आपस में सास और दामाद ही भिड़ गए। दरअसल पत्नी की घर वापसी की मांग करते करते दामाद सास को ही घर ले जाने की जिद पर अड़ गया। शादी करे ले जला तर लड़की का एक महीना दो महीना ले जाए का घरों में रखे छे आ बस जकरी को हम जकरी ले जाए का ले जाए छन तमा मतलब एकरा के बस का बात नहीं छे आज के दिल पर पकड़ी लेलो तो मार बस का बात नहीं छन बताई छिया बस का बात नहीं छन वहां ले जाए छन मां यार बहिन मारी पीटी के भगा दे छे ओकरे पीछे यो भगा दे छे तो गोर पकड़े क्या बोल रहा है तो आज केस कर ले छन परेशान कर दे छे बच्चा छन 6 साल का बेटा आ 10 साल का बेटी आज केस करी दले छन 7 दिन 12 साल से रखे छन हम सबके ऊपर केस करते रहता आपका गोर पकड़े क्या बोल रहा है हां तो अब हम बाल बच्चा के हमरा दे दो हमरा जिम्मा हम ले जेबे हम रखबा नहीं तो रख कौन हां ना तो तोरा ले जवा तोरे रखबा हमरा बाल बच्चा के दे दे ना तो तोरे रखबा ये बोले जो हां सासे के रखेगा ये बोल रहा है दामाद जबरदस्ती इसको बाग घींच कर बीवी को ला नहीं सकता है सास को बोल रहा है घर ले जाएगी बताइए उसको शर्माना चाहिए है बोल रहा है मेरा बीवी के ला दो इसको क्या हुआ लाने में ये इसको बोल रहा है क्यों मार रहा है भाई हम लोग क्यों नहीं मारता है ससुराल वाले इसको क्यों मार रहा है बोले हम लोग क्यों नहीं मारता है ससुराल वाले जाते हैं तो इज्जत करता है इसको क्यों मार के भागता है बताइए आप लोग लड़की को क्यों रखती है अपने पास रखा नहीं खुद नहीं रख पाता है उसको क्या करेगा भगा देगा खुद नहीं रख पाता है। मामला भागलपुर के पीरपैती से है। भागलपुर के पीरपैती की रहने वाली महिला कविता देवी का नाथनगर की रहने वाले पंकज दास से 10 साल पहले शादी हुई थी और शादी के बाद से ही दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा व नोक झोंक का सिलसिला शुरू हो गया। विगत 6 महीने से दोनों अलग रहने लगे। लड़की की मां मानकी देवी ने अपने दामाद पंकज दास पर आरोप लगाते हुए कहा कि शादी के बाद से ही वो मेरी बेटी के साथ दहेज के लिए मारपीट करता है। उसका कहना है जब तक दहेज नहीं दोगे तब तक मैं उसे अपने घर नहीं ले जाऊंगा। वहीं पति पंकज दास का कहना है कि लड़की की मां मेरी पत्नी को ससुराल आने नहीं देती और मेरे 2 बच्चे भी हैं, इससे भी बात करने नहीं देती, उल्टा मेरे ऊपर प्रताड़ना का केस कर दी है। वहीं सास और दामाद के हाई वोल्टेज ड्रामा को देखने के लिए लोगों की भीड़ घंटों सड़क पर लगी रही। हमरा बाल बच्चा के दे दे ना तो तोरे रखबा सास के रखेगा ये बोल रहा है दामाद परिवार का बेटी सुना नहीं बोला की से अब तोरा हम नहीं चिन्ह जाने हम जरा से बात करे ओकरे सिंह जाने तोरा से हम नहीं चिन्ह जाने आज हमारा सास जाना लगल आज हमरा सास जाने लगले आज कैसे सास जाने लगले कल नहीं चिन्ह थे ना आज आज पुनः यहाँ आई लगिया तो चिन्ह लगले तो हमरा माय छा हमरा सास छा गोर पकड़े छियन अब हमरा परिवार का दा अब हमरा परिवार हमरा बेटी कह चले तो कमाए के लंग ले छा मैं कह रहा हूँ सास कमा के मेरा आज और जो भी गलती उलती हुआ है मेरा बच्चा बुजुर्ग को ला दी है अब आपको जाने देंगे ऐसे नहीं जाने तक बच्चा बुजुर्ग नहीं लाएगा जाते हैं जब भी आदमी को बदमाश को लगा के मार देता है पूरा समाज जानता है वहाँ रखोगे हम ये नहीं करें मेरा बच्चा बुजुर्ग ला दो मेरा इंसाफ चाहिए बस हाँ मेरा पंकज कुमार दास मेरी पत्नी का भाई नाम है सविता देवी वो मेरा शादी होने से लगभग 2012 में शादी हुआ है एक लड़का एक लड़की है बच्चे का लड़की का मेरा 9 साल है 5-6 साल का लड़का है वो रहा है शुरू से चल रहा है अंत में अब आप क्या चाहते हैं मैं कह रहा हूँ मेरा घर मेरा बिगड़ गया मेरा घर बस जाए बस और कुछ नहीं चाहते हैं मेरा इंसाफ चाहते हैं बस क्या नाम हुआ आपका मेरा पंकज कुमार घर कहाँ हुआ तुम्हारा नाथ लगन चंपा नगर घर मतलब शादी नानी घर से हुआ था
केवल्ला मतलब कि कटिहार की तरफ। ससुराल यहाँ पीरपैती बाखरपुर। जब शादी हुआ था नानी घर से, वहाँ से यहाँ आने नहीं देता था उसका नानी घर। यहाँ से कोई मतलब ना है, यहाँ बदमाश इलाका है।